नमस्कार, टीवी 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। हमारे साथ इस वक्त फ्रेम में है एक गुरुजी, या यूं कहें तो सरकारी शारीरिक शिक्षक। लेकिन लिबास इनका देख सकते हैं कि ये फूड डिलीवरी बॉय का ड्रेस पहने हुए हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये सरकारी शिक्षक हैं, और सरकारी शिक्षक में भी शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशक हैं, जिनकी बहाली जो है वो 2022 में ही हुई है। 2.5 साल की नौकरी हो गई और हर महीने तनख्वाह के रूप में केवल 8,000 पाते हैं, जिससे घर चलाना तो बेहद मुश्किल होता है। इस वजह से ही पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं सरकारी शिक्षक। आप लोग सोचते होंगे कि राजा की नौकरी है, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से घर घर घूम घूम कर इन्हें खाना पहुंचाना पड़ रहा है। अमित जी हमारे साथ हैं, क्या विडंबना हुई अमित जी? आधा तो हमने बता दिया, आधा आप बता दें। सर देखिए, 2019 में बहाली निकलती है एस्टेट, वो भी 10 साल के बाद। तो जितने भी बिहार के शारीरिक शिक्षक हैं उन्होंने भरा जो नहीं थे। हमने भी एग्जाम दिया नवंबर में, फरवरी में रिजल्ट आ गया 2020 में, पास कर गए। 100 में 74 नंबर आया मुझे, काफ़ी खुशी हुई परिवार में, चलो सरकारी नौकरी लग गई है। तभी मैं प्राइवेट स्कूल में काम भी कर रहा था, कोरोना शुरू हो गया तो हमारी नौकरी रोक दी गई। 2.5 साल के बाद हमें नौकरी मिली, और उसमें वेतन का जिक्र मात्र 8,000 किया गया। अंशकालिक का एक टैग लगा दिया गया कि इनको स्कूल में ज़्यादा देर नहीं रहना है, प्रिंसिपल की इच्छा अनुसार रहना है। तो हम लोग शुरू में गए, फुल टाइम काम भी किया, बच्चों को प्रेरित किया, कहूँ खेल में भाग भी करवाया, मेडल भी लाए वो लोग। लेकिन अब 2.5 साल बीत चुका है, हम लोगों को सरकार वेतन नहीं बढ़ा रही है, ना ही पात्रता परीक्षा ली हमारी सक्षमता, ना ही पूर्ण के शिक्षकों के साथ समायोजित कर रही है। उनको 42,000 मिल रहा है, उन्होंने डिग्री दिखाया, आपको 8,000, हमें 8,000 मिल रहा है। हम एग्जाम देकर बहाल हुए हैं नियोजन इकाई में, लेकिन 8,000 मिल रहा है। हम पहले मैट्रिक किए होंगे, ग्रेजुएशन किए होंगे, इंटर ग्रेजुएशन, बीपीएड किए होंगे, एसटेट किए होंगे, तब जाके शिक्षक बने, शिक्षक बने हैं। और अब है कि मात्र कुछ देर रहना है स्कूल में, फिर आ जाना है। बच्चे जुड़ नहीं पाते हैं, जिद करते हैं तो पूरा दिन भी पूरा रखना पड़ता है। उसके बाद सरकार सैलरी भी समय पर नहीं मिलता था, फरवरी के बाद तो 4 महीना सैलरी नहीं मिला। परेशान हो गया, दोस्तों से कर्ज ली, कर्ज बढ़ता जा रहा था, चुका पा नहीं रहा था मैं, 50,000 का कर्ज हो गया। तब किसी तरह नेट पे सर्च किया कि जोमेटो में भी काम होता है, ऐसा टाइम का फ्लेक्सिबिलिटी है। मैंने सर्च किया तो सारा कुछ ऑनलाइन उसमें मैंने देखा करना है, तो फिर IDVD बनाया। तो स्कूल करने के बाद मैं 5 बजे से रात के 1 बजे तक काम करता हूँ, 1 बजे तक काम करता हूँ। जी जी, फिर 2 बजे घर लौटता हूँ, 1 बजे भी ऑर्डर आता है। कितना कठिन हो रहा है अमित जी, गुरु जी के लिए ये काम कितना कठिन? बहुत कठिन है, चूंकि मैं फिजिकल टीचर हूँ, इसलिए अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रख के मैं कंटिन्यू स्कूल भी करता हूँ और ये काम भी कर रहा हूँ 4 महीने से। बहुत ही विडंबना है ये, 8,000 की सैलरी की विडंबना क्यों नहीं बढ़ा पा रही है सरकार? है, पत्नी है, माँ है, बूढ़ी माँ है, इस 8,000 के कारण परिवार भी नहीं बढ़ा पा रहा हूँ मैं। क्या बोलूँ आपको कि जब खुद को खाने को नहीं पुर रहा हूँ, मैं क्या नहीं पीड़ित खिलाऊंगा जिसको भी होगा। सर 2.5 साल हो गए शादी के आपको? 2.5 साल हो गया, 2.5 साल शादी के भी हो गए, 2.5 साल हो गए हैं। तो वही बात है कि क्या करूं, कुछ उपाय नजर नहीं आ रहा है। घर है मेरा, घर छोड़ के जा नहीं सकता हूं। मैंने योगा में भी किया है, बीपीएड के अलावा मैंने योगा में कोर्स भी किया हुआ है, डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, विश्व प्रसिद्ध आश्रम में 3 साल बिताया हूँ, बेंगलोर से किया हूँ। लेकिन घर का था, घर में बड़ा बेटा हूँ, मुझे घर में रहना है, बूढ़ी माँ की देखभाल करना, कहीं जान भागलपुर में कुछ और है नहीं। पहले मैं DAV में काम करता था, फिर बिरला ओपन माइन में काम किया, उसके बाद ये नौकरी लग गई, कोरोना काल में छूट गया। लेकिन सरकार हमारी सुन रही है, हमने पटना तक आवाज़ उठाया, धरना प्रदर्शन सब कुछ किया है, बोल रहे हैं बढ़ेगा बढ़ेगा। नीतीश सरकार से हमें काफ़ी उम्मीद है, वो सबका कर रही है, सिर्फ स्कूल में हम ही लोग बचे हुए। जब आप एक BED सब्जेक्ट के टीचर को आप PPSC के थ्रू बहाल करके पूर्ण पैसा दे रहे हैं, और हम लोग उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं, तो सिर्फ मानसिक से थोड़ी फिजिकल का भी ध्यान रखना होगा ना। और जब मानसिक तौर पे आप लोग हैं तो हम खिलाड़ी कैसे तैयार करेंगे? आज बिहार में हॉकी हुआ, हमारी महिलाओं ने जीता, पुरुष हॉकी का भी आयोजन लगातार, क्या ऑर्डर आ गया, ऑर्डर मुझे पिक करना है, 3 मिनट में करना होता है, नहीं तो डिले हो जाएगा। तो हॉकी, पुरुष हॉकी का भी मेजबानी मिल गया, और हमें जो है आज सरकार कुछ सुध नहीं ले रही। 8,000 में कितना जोड़ पाते हैं इस काम के साथ? कुछ नहीं जोड़ पाते हैं, वो तो मिलता भी नहीं है सर, 2 महीना के बाद मिलता है, इसी से किसी तरह घर परिवार चल रहा है, फूड डिलीवरी से ही। जी 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 जी, ये नहीं सोचते कभी लोग क्या कहेंगे, क्योंकि ये शिक्षक के तौर पर और ये फूड डिलीवरी का काम कर रहे हैं, क्या करें सर? बहुत लोग पूछते हैं कि आप शिक्षक होते हुए ऐसा काम कर रहे हैं। मैं कहा देखिए, मांगने की आदत है नहीं किसी के पास, बचपन के दोस्तों से मांगा है ताकि वो लोग भी तंग, वो साथ दे रहे हैं, मैं उनका शुक्र गुजारूँ। तो मैंने ये किया, इसमें फ्लेक्सीबिलिटी कभी भी कर सकते हैं काम, किसी तरह घर चल रहा है। और सब पूछते हैं, मैं कहा देखिए नीतीश जी से बहुत
आशा है, उन्होंने सबका कर दिया स्कूल में, सिर्फ हम लोग बचे हुए हैं। हमें भी पूर्ण के शिक्षकों के साथ समायोजित करें, जिन्हें 42,000 मिल रहा है, हमारी सक्षमता लेके हमें भी राजकर्मी का दर्जा दे दें, बस हमारी यही मांग है। क्या लगता है, मांग सुने जाएगी? मेरी पोस्टिंग शहर में है तो मैं ये काम कर पा रहा हूँ। हमारे बहुत साथी 200-300 किलोमीटर दूर है, गांव में है, 8,000 में उनका रेंट में आधा पैसा चल जाता है। यूपी से, बंगाल से, कहां से नहीं ज्वाइन किए। पत्नी कुछ नहीं कहती कि ये काम कर? पत्नी के कारण ही तो जोमेटो ज्वाइन करना, पत्नी के कारण जी हाँ। क्या करें, दिन भर कहाँ से किससे मांगता रहूं। अब कम से कम कि घर चल रहा है तो थोड़ा सा शांति है घर में, कला कचकच हो रहा है, कब क्या हो जाएगा मुझे खुद पता नहीं। चलिए, डिलीवरी आ गया आपको, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए हमारे साथ। तो क्या हालत है बिहार में, जो शिक्षक है जिन्हें सरकारी का ठप्पा जरूर लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद घर चलाने के लिए उन्हें पार्ट टाइम के तौर पर जोमेटो डिलीवरी बॉय का काम करना पड़ रहा है। तो नीतीश बाबू स्थिति देख सकते हैं, नौकरी तो आपने 2.5 साल पहले ही बांट दी है, लेकिन 2.5 साल की नौकरी के बावजूद भी 1 रुपया जो है ये सरकारी शिक्षक जो हैं, शारीरिक शिक्षक, वो नहीं जुटा पाए हैं, और इस वजह से घर में लगातार कलेश होता है। शर्मिंदगी की बात है। शिक्षक ये भी कह रहे हैं कि सरकार के द्वारा दी जा रही सैलरी के कारण ही हम अपना परिवार तक नहीं बढ़ा पा रहे हैं। कैसी विडंबना है जो नीतीश सरकार हमें केवल 8,000 रुपये सैलरी के तौर पर दे रही है। जल्द हम लोगों को जो है वो पूर्णकालिक किया जाए, साथ ही साथ हमारा जो वर्तमान वेतन है उसको भी बढ़ाया जाए। तो ये सारे शिक्षक थे हमारे साथ, अमित कुमार, इनके साथ ऐसे कई शिक्षक हैं जो सरकारी शिक्षक के बावजूद, स्कूल जाने के बावजूद कई और काम करने को विवश हैं। तो जरूरत है कि नीतीश सरकार, जो बिहार सरकार है, वह इन लोगों पर ध्यान दे और जल्द से जल्द इन लोगों का वेतन जो है वो बढ़ाया जाए। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।